चार्जेस कट रहे हैं। अरे सुनो भाया, यहाँ किसी भैरव सिंह नाम के आदमी के बारे में सुना है आपने? एक बहुत बूढ़े से तांत्रिक है, कुछ तो जानते होंगे आप। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, कुछ तो पता होगा। हमको तो नहीं पता, लेकिन तुम इस रास्ते से जाओगे तो 12 मील दूर रेगिस्तान के बाद गांव है सीरतपुर, वहां जरूर पता होगा। 12 मील, ये ऊंट किसका है? गिरा गया। ये कहाँ जा रहा है? ये भी गया। अरे ये कौन है? चल के इसी से पूछना पड़ेगा, आ तो इधर ही रहा है। हेलो दोस्त, तुम्हारा ऊंट। कौन हो तुम? बस एक मुसाफिर हूँ। और तुम? विक्रम सिंह राठौड़। लेकिन तुम इस गांव के तो नहीं लगते? बम्बई का, एक्चुअली यहाँ एक। सुनो दोस्त, तुम किसी भैरव सिंह नाम के आदमी को जानते हो? कहीं ये वो मशहूर तांत्रिक तो नहीं? ओ यार, थैंक गॉड, आखिर कोई तो मिला। तुम्हें उसका पता मालूम है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ से कुछ कोस दूर एक गांव है सीरतपुर, वहीं उसका मकान है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम तकलीफ क्यों करते हो? मैं तकलीफ किस बात की दोस्त, बल्कि यूं कहो मेरी अपनी गरज। अरे भाई, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, एक हम सफर मिल जाएगा। हाँ लेकिन पैदल चलेंगे? ये ऊँट का चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। मैं देख चुका हूँ, चलो। वैसे मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। चलिए चलो। सीरतपुर के हो? नहीं, मैं पास के विशालगढ़ का। दरअसल सीरतपुर में मेरी मासी रहती है, बीमार है आजकल, बस इसीलिए उन्हें मिलने जा रहा हूँ। विशालगढ़? मैं खुद वहाँ से आ रहा हूँ, अपने ताऊजी के घर से। कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह को तो जानते होगे तुम। कुंवर साहब? अरे उन्हें कौन नहीं जानता भाई, वो तो यहाँ के राजा थे, कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। कैसे हो आजकल? सब खत्म हो गया। मतलब? शायद तुमने विशालगढ़ के दरिंदे और उसके श्राप के बारे में नहीं सुना। दरिंदा? कैसा श्राप? चलो, वो कहानी दोहराते वक्त भी कट जाएगा, और शायद तुम्हारी किस्मत में वो भयानक कहानी सुनना था। वो वीरेंद्र प्रताप सिंह और उनके जीवन का श्राप। आज से 20 साल पहले की बात है। शिकार की तलाश में एक दिन ताऊजी जब जंगल पहुंचे, ऐसी आंखें जिन्हें देख कर शिकारी खुद शिकार हो गया। और कुंवर साहब ने इस अनजान बंजारन को अपना दिल दे दिया।
उस बंजारन का नाम था शंभू, जिससे कुंवर साहब अब रोज मिलने लगे और कुंवर साहब को सिवाय शन्नू के कुछ न दिखता। दिन अब रातों में बदलने लगे थे और मुलाकातें और गहरी होने लगी। मानो जैसे उस बंजारन ने कुंवर साहब पर कोई जादू कर दिया हो। शायद जादू ही था, काला जादू। शन्नू, असल में शन्नो एक चुड़ैल की नस्ल थी। उसके इस भयानक रूप को देखकर ताऊजी डर गए। उन्होंने शन्नो से हर संबंध तोड़ दिया। लेकिन एक दिन अचानक शन्नो उनसे मिलने हवेली आई। और उनकी दुनिया को यह कहकर हिला दिया कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। ताऊजी ने उसकी बात को ना मानकर उससे कहा कि वो वहां से चली जाए। वो अब उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते, चाहे बच्चा हो या ना हो। उनके लिए शन्नो अब मर चुकी थी। और फिर आगे क्या हुआ? चुड़ैलों के किस्से तो बहुत सुने हैं, लेकिन ये कहानी बहुत अजीब है। क्या उसके बाद कुंवर साहब ने कभी शन्नू की कोई खबर नहीं ली? नहीं, एक साल तक ना शन्नू की कोई खबर थी ना उसका कोई पता। लेकिन कुंवर साहब को उसकी मां बनने वाली बात ना भूली। उनका वारिस, और फिर एक साल बाद वो दिन आया। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, शन्नू का पता चल गया है। कहाँ? जी अंदर जंगलों में, पहाड़ी के पीछे। तुम्हें पूरा यकीन है मानसिंह? जी, सुना है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। हमारी मां इतनी इसके पास जाएगी। Thank you.
देखो तो, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा वारिस। यही तुम्हारा बच्चा है? ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। ये तुम्हारा ही खून है कुंवर। नहीं, ये मनहूस चीज मेरी नहीं हो सकती, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारी साजिश है। क्यों डाला तुमने ये जाल मुझ पे? क्योंकि हम चुड़ैलों की जिंदगी तभी बढ़ती है जब हम किसी इंसान से संबंध जोड़कर उसे एक वारिस देते हैं, आधा इंसान आधा जानवर। नहीं कुंवर, इसे ना धुतकारो, ये तुम्हारा वारिस है। चुप रहो, इंसान हो ही नहीं। पता नहीं मैं यहां क्यों आ गया, मुझसे भूल हो गई। चल। रुक जाओ कुंवर, तुम इसे इसका हक दिए बगैर यहां से नहीं जा सकते। तुम मुझे ठुकरा सकते हो पर इसे नहीं, इसे इसका हक चाहिए, तुम्हारी भीख नहीं। कैसा हक? कैसा हक? मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं, और अगर तुम मेरे पीछे आई तो मैं तुम्हें और तुम दोनों को जान से मरवा दूंगा। चलो मत। याद रखना, ऑस्टिन का लहू चीख चीख कर पुकारेगा, तुम्हारा वारिस अपना हक छीन कर लेगा, और जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा, चाहे वो कोई और हो। तू ही है मेरा असली वारिस। आ गया तू, मैंने तुझे मना किया था उस लड़की से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या समस्या लेकर आए हो? बहुत बड़ी भूल होगी मुझसे, मेरा बच्चा उसके पास है। बच्चा? तुमने देखा है उसे? मैंने उसे देखा है। इंसान का बच्चा तो लगता ही नहीं वो। अनर्थ! अनर्थ! वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, शैतान का साया है उस पर। तुम उसे दूर रहना, वरना उस बच्चे के हाथों में तुम्हारा काल होगा। इससे पहले कि वो बड़ा होकर तुम्हारी मौत का कारण बने, मरवा दो उसे। शाम को राजस्थान की रेत की ठंडक सारी थकान मिटा देती है। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त। तो फिर क्या हुआ? क्या कुंवर साहब ने उस बच्चे को मरवा दिया? नहीं, अगले दिन जब जंगल में शिकारियों की टोली को भेजा तो शनो के साथ बच्चा गायब, चुड़ैलों का काफिला भी गायब, कुछ पता नहीं। आसमान खा गया, रेगिस्तान निकल गया। शनो के शराब के डर से कुंवर साहब विशालगढ़ की हवेली को छोड़कर
विलायत चले गए, जहां उन्होंने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ली। दो लड़के हुए, वरिष सिंह और अजिंक्य सिंह, उनके असली वारिस। कुछ साल बाद एक कार एक्सीडेंट में उनकी बीवी गुजर गई। बेजार होकर कुंवर साहब बरसों बाद विशालगढ़ की हवेली में लौट आए, अपने बेटों को लेकर, जो अब 16 साल के लड़के थे। यानी कि उनके दो वारिस? वारिस नहीं, करोड़ों की जायदाद के वारिस, मीलों तक जमीन, देश विदेश में फैला हुआ बड़ा सा कारोबार। इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए तो कुंवर साहब को वापस आना ही था। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनके लौटने के कुछ दिन बाद ही दहशत का सिलसिला शुरू हुआ।